दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम की शर्मनाक हार के बाद रातों रात भारतीय टीम लौटी भारत, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ी रातों रात न्यूजीलैंड की धरती पर पहुंच गए, तो वहीं उन खिलाड़ियों के साथ भारतीय टीम के साथ भारत की धरती से महेंद्र सिंह धोनी को रवाना किया गया। वजह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार महेंद्र सिंह धोनी के साथ किन किन खिलाड़ियों को न्यूजीलैंड की धरती पर भेजा गया है, ये तो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ महेंद्र सिंह धोनी को किस वजह से न्यूजीलैंड धरती पर भेजा गया है, ये भी आपको बताएंगे। जाने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में कौन खतरनाक खिलाड़ी है? कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस बार वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को काफी बुरे हार का सामना करना पड़ा, जहां भारतीय टीम की तरफ से प्रत्येक खिलाड़ी का खतरनाक प्रदर्शन सेमीफाइनल से पहले तक देखने को मिल रहा था। लेकिन सेमीफाइनल में हार के बाद भारतीय टीम पूरी तरीके से टूट चुकी है और अब भारतीय टीम को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन इसी बीच बड़े बड़े दिग्गजों ने हार के जिम्मेदार खिलाड़ियों के नाम जारी कर दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात टीम मैनेजमेंट पर आ रही है, जहां पर टीम मैनेजमेंट में काफी बड़ी गलती की थी। ऐसे में कोच राहुल द्रविड़ के ऊपर गाज गिरी है। लेकिन इसी बीच भारतीय टीम की हार के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ी एडिलेड के एयरपोर्ट से भारतीय सरजमी के लिए रवाना हो चुके हैं। हालांकि भारत के लिए कुछ खिलाड़ी रवाना हुए हैं। एडिलेड के एयरपोर्ट से भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ियों में रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, दिनेश कार्तिक और मोहम्मद शमी शामिल हैं। तो दूसरी तरफ इनके साथ भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने भारतीय सरजमीं के लिए रवाना हो गए हैं। लेकिन अब भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज खेलने के लिए जाना है, जहां पर भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ी न्यूजीलैंड की धरती पर रातों रात रवाना हो गए हैं। दरअसल उन खिलाड़ियों में से भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या भी शामिल हैं। आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या को न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। ऐसे में भारतीय टीम के लिए हार्दिक पांड्या सबसे पहले न्यूजीलैंड की धरती पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा उनके साथ वो सभी खिलाड़ी पहुंचे हैं जो वर्ल्ड कप खेलने के बाद न्यूजीलैंड की सीरीज पर जाने वाले हैं। तो वहीं भारतीय सरजमी से गेंदबाज उमरान मलिक को डायरेक्ट बेंगलुरु से रातों रात न्यूजीलैंड के लिए रवाना कर दिया गया। आपको बता दें कि मलिक को न्यूजीलैंड के लिए टीम में शामिल किया गया है। ऐसे में उनका रातों रात पहुंचना भारतीय टीम के लिए काफी बड़ा फायदेमंद साबित हुआ है, जहां पहुंचकर न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम मजबूत तैयारियां करना चाहेगी। इसके अलावा कोच राहुल द्रविड़ की गैर मौजूदगी में वीवीएस लक्ष्मण को भेजा गया है। जी हां, लेकिन काफी विरोध के चलते महेंद्र सिंह धोनी को भी असिस्टेंट कोच के रूप में भेज दिया गया है। तो वहीं पर महेंद्र सिंह धोनी के लिए अभी तक ये रोल तय नहीं किया गया है, लेकिन उनको भारतीय टीम में शामिल तो कर लिया गया, क्योंकि वर्ल्ड कप में बड़ी नाकामी के कारण भारतीय टीम मैनेजमेंट में काफी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी को मेंटोर या फिर असिस्टेंट कोच के रूप में टीम में शामिल किया जाएगा। और वहीं खिलाड़ियों के रातों रात न्यूजीलैंड पहुंचने से भारतीय टीम काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम जीत दर्ज करते हुए वर्ल्ड कप के दुख दर्द को आधा करने की कोशिश करेगी या फिर नहीं? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।